ब्रॉट टू यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। हेयर स्टाइल की बात है और ये मैनपुरी जिले से रिलेटेड नहीं है। तो मैनपुरी सांसद कह रही हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मैनपुरी का नहीं, और वो चलती बंदी है। लेकिन ऐसा क्या सवाल था जिस पर यूं रिएक्ट कर गई डिंपल यादव, वो हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन से सवाल से सपा सांसद डिंपल यादव ने कर लिया किनारा। वो डिंपल यादव जो जब मैनपुरी पहुंची तो ब्रजभूषण से लेकर बीजेपी सांसद हरिनाथ की चुनौती से लेकर दलितों लॉ एंड ऑर्डर तक हर मुद्दे पर जमकर बोली, विरोधियों को खूब घेरा, लेकिन इस सवाल ने मानो डिंपल यादव को ही घेर लिया। सुनिए क्या है वो सवाल और उस पर कैसा रहा डिंपल यादव का जवाब। जबकि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने 2014 में जो 10 ब्रज नेता की लिस्ट में नेताजी का भी नाम लिया था। ये राष्ट्रीय स्तर की बात है और ये मैनपुरी जिले से रिलेटेड नहीं है। तो सवाल था केजरीवाल को लेकर, सवाल था केजरीवाल का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर, क्योंकि 7 जून को जब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए अखिलेश यादव से मिलने, तो कई सवाल उठ गए कि क्या वाकई मामला सिर्फ केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने का है या उससे आगे कोई नया समीकरण बनाने का भी। सपा और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं भी जोर मारने लगी। हालांकि गठबंधन के सवाल पर दोनों ओर से खामोशी अख्तियार रही। वहीं इस दौरान 2014 के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के उन हमलों को भी याद किया जाने लगा जो उन्होंने तमाम विरोधी दलों के नेताओं पर किए थे, जिसमें उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव पर भी वार किया था। दरअसल 2014 की सर्द जनवरी में जब सियासत गरमाई थी तो अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम भी था। केजरीवाल ने उस वक्त लिस्ट के उन तमाम नेताओं को हरवाने की अपील भी लोगों से की थी। हालांकि बाद में बांदा की एक रैली में नेताजी ने भी केजरीवाल के उन दावों पर अपना दावा ठोका था और चुनौती दी थी कि अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो जेल भिजवाओ। और इन तमाम बातों के करीब 9 साल बाद जब अखिलेश यादव और केजरीवाल की नजदीकियां देखने को मिली तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे और जब यही सवाल डिंपल यादव से पूछा गया तो इस सवाल पर कुछ भी कहने से वो बचती नजर आईं। हालांकि ब्रजभूषण के सवाल पर उन्होंने खरारा जवाब जरूर दिया। लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता रहा है, हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है, मेरी अपनी यह राय है। और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वह हो रही है, FIR हुई है और मैं समझती हूँ FIR के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी में हाईस्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने पहुंची थी। इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब हुई, यहाँ उन्होंने होनहार छात्र छात्राओं को चेक भी दिए और उनकी हौसला अफजाई भी की। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।